तो है गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स ब्लॉग्स पे। तो आज की इस वीडियो में हम जो मेरे डॉग के डिवॉर्मिंग करने वाला हूँ, तो आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ कि डिवॉर्मिंग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप टैबलेट दे सकते हैं अपने डॉग को। और जैसे मेरी पिछली वीडियो थी डॉग वैक्सीनेशन के ऊपर, आपने नहीं देखी तो जरूर से देखना वो वीडियो, आई बटन में आपको दे दूंगा मैं। तो वो वीडियो के अंदर जैसे कि स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड और डॉक्टर ने कौन कौन सी दवाई दी थी, आप सभी के कमेंट आए थे कि मुझे जरूर से बताना। तो इस वीडियो में वो भी आपको बताने वाला कि कौन कौन सी टैबलेट दी थी, कौन कौन सी जो दवाई दी थी, तो वो आपको बताने वाला हूँ। और डिवॉर्मिंग कैसे करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। और लास्ट में आपको ये बताने वाला हूँ कि डिवॉर्मिंग के फायदे क्या क्या होते हैं अगर आप टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करते हो तो, और आपको कब और कितने टाइम बाद डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। जैसे आप सभी को जानना था कि क्या क्या मैं जो है देने वाला हूँ डॉग को, मतलब डॉक्टर ने क्या क्या लिख के दी थी दवाई, तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं ये वाली जो बॉटल आती है ये लिक्विड फॉर्म में आती है। ये डॉग के हेयर है वो अच्छे खासे ग्रो करती है और शाइनी करती है, और कई थोड़ी स्किन इन्फेक्शन होती है तो उसमें भी मदद करती है। बट इसका सबसे ज़्यादा जो काम है वो है कि हेयर लॉस हो रहे अगर आपके डॉग के, अगर आपके पास लैब्राडोर है तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी लिक्विड आती है। और दूसरी दोस्तों ये क्रीम, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ी थी तो मैंने एक नई नहीं ली, ये देख सकते हैं आप जूनी हो चुकी है। तो ये आपको क्या आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, देखो जैसे स्किन इन्फेक्शन होता है ना, जहाँ पे डॉग के हेयर फॉल हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे ये क्रीम आती है वो आपको सीधे अप्लाई करनी पड़ती है। तो वहाँ पे आप अगर डेली लगाते हो तो वो स्किन इन्फेक्शन में काफ़ी मदद होगी आपके डॉग को, अगर कुछ स्किन एलर्जी या फिर कुछ हो रहा है तो वो नहीं होने देगा। दूसरी जो ये टैबलेट दी है आप देख सकते हैं, टैबलेट ये सुबह एक टाइम देना होता है और ये भी स्किन इन्फेक्शन के लिए दी है डॉक्टर ने। दोस्तों मैं आपको इसको खोल के बता देता हूँ, इस तरह से ये टैबलेट आती है, ये एक टाइम देना होता है, ये जो आपके डॉग के स्किन इन्फेक्शन या फिर कुछ हो रहा है तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी होती है। और साथ में ये सब दवाई की चिट्ठी वगैरह यहाँ पे आपको प्राइस वगैरह देखने को मिलेगा कि कितना हो गया टोटल, ये सब कुछ यहाँ पे है। इसके बाद ये वाली जो ये तीन गोलियाँ है ना, और एक कहाँ गई, तो गाइस ये तीन गोलियाँ है ये जो है डिवॉर्मिंग की है। अगर आप अभी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि डॉग को कैसे देना है, ये डिवॉर्मिंग की है। और उसके साथ साथ ये और एक दवाई है, इसका नाम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, मैं देखता, हाँ बस दिख रहा है आपको। तो ये भी दवाई देनी है सुबह शाम देनी है ये डॉग को, इसके ये भी स्किन इन्फेक्शन की होती है, अगर आपके डॉग को स्किन इन्फेक्शन या फिर कुछ एलर्जी है उसके लिए। बट मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप डॉग को जो है डॉक्टर के पास ज़रूर चेकअप कराने ले जाए, तभी ये जो दवाई लीजिएगा। ये मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये दवाई मुझे दी गई है, बट आप कभी भी ऐसी दवाई किसी को देखने से आप मत लीजिएगा, क्योंकि आपके डॉग का स्किन इन्फेक्शन अलग हो सकता है, आपकी डॉग की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। बट आप डिवॉर्मिंग की ले सकते हैं, डिवॉर्मिंग की कोई आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है। और आप जो आप अगर आपके डॉग का हेयर फॉल हो रहा है तो भी आप डॉक्टर से राय लेके उसको दवाई दीजिएगा लिक्विड फॉर्म में। ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे डिवॉर्मिंग करता हूँ मैं डॉग की। एक काम कर, तू सारी गोलियां मुझे ही खिलाया कर, जब देखो तो वो मेडिकल वाले के पास मुझे ले जाए और वहाँ पे बिठा दे, सारी गोलियां मैं ही खाता हूँ। इतनी सारी गोलियां लेके आया, ये लिक्विड वो लिक्विड, अरे कितनी कड़वी लगती है तुझे पता है क्या? कभी आइसक्रीम देता है इसके साथ? नहीं देता। अच्छा खाने को नहीं देगा? वो नहीं देगा मुझे, हाँ मुझे पागल बना के रखा, ये गोली खा वो गोली खा, इससे ये होता है उससे वो होता है, और अभी दूसरे को भी बता रहा है तू ये गोली मुझे दी है। मतलब क्या करना क्या चाहता है तू मेरे साथ? अभी वापस से तू मुझे गोली खिला रहा है, मैं तो नहीं खाऊंगा। गाइस ये रही आप देख सकते हैं तीन टैबलेट है, ये आपको वजन के हिसाब से देना पड़ता है कि आपके डॉग का कितना वजन है उस हिसाब से। तो मैंने थोड़ा सा उसको पानी पहले दे दिया है डॉग को, जिसके कारण उसका गला थोड़ा सा गीला हो जाए और उसकी गोली अच्छे से उसके गले के अंदर चली जाए। तो मैं इसकी एक गोली निकाल देता हूँ अभी, तो ये रही देख सकते हैं। और ध्यान रखना है आपको उसके वजन के हिसाब से आपको उसको गोली देनी है कि दो टैबलेट देनी है, तीन टैबलेट देनी है। तो आपको क्या करना है, उसको पहले पीछे से आराम से एक बार पकड़ लेना है, पीछे के साइड हो जाना है, और ये आपको खाने के साथ बिल्कुल नहीं देना है तो वो कुछ असर नहीं करेगी। देख सकते हैं आप, यहाँ से उसको पकड़ लेना है ऐसा, और उसके गले में सीधा उसको जीभ के पास को छोड़ देना है और थोड़ा सा उसको बंद कर देना मुँह, और धीरे से उसको सहलाना है जिसके कारण उसकी गोली अच्छे से अंदर चली जाए। पानी का बाउल आप नीचे रखिएगा, जैसे उसको प्यास लगेगी वो तुरंत ही पी जाएगा। और अभी जो सेकंड आपने गोली देनी है वो भी हम देते हैं। आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, दो दो मिनट का, एक एक मिनट का गैप आप रखिएगा तो बेटर रहेगा। फिर से आपको यहाँ से उसको पकड़ना है, यहाँ से सिंपली उसके यहाँ पे रखना है, और इस तरह से आप उसे दे सकते हैं। कभी कभी डॉग निकाल देता है, देख सकते आप निकाल दिया इसने, तो फिर से आपको उसको देना है। आप गले के वहाँ छोड़ देते हो तो बेटर रहेगा, तो वो जल्दी से निगल भी लेगा।
और थोड़ा सा बीच में गैप रखिएगा 20 सेकंड का 30 सेकंड का, उसके कारण डॉग भी रिलैक्स होगा और पानी भी आप आगे रखिएगा ताकि वो गोली लेने के बाद तुरंत ही पानी पी जाएगा। आप देख सकते हैं लास्ट वाली अभी टैबलेट बची है, ये भी हम उसे दे देते हैं। आप कोई भी कंपनी की यूज़ कीजिएगा, आपको जो कंपनी अच्छी लगती है वो आप कंपनी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं ये कंपनी वाली यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपने डॉक्टर की राय लेके आप ले सकते हैं और ये आपको ज़्यादा महंगी नहीं मिल जाएगी, 100 रुपये के अंदर आपको ये टैबलेट मिल जाएगी। तो चलिए हम इसे भी दे देते डॉग को। तो फिर से हमें वही टेक्निक यूज़ करनी है, ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है ताकि आपका डॉग अच्छे से खा लेगा। खाने के साथ आप देते तो ज़्यादा वर्क नहीं करता, इसलिए कभी भी आप ऐसे दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे आपका डॉग भी जल्दी से खा लेगा। कोई कोई डॉग नहीं खाता तो वो आपको थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप पहले से उसको अगर ऐसी हैबिट लगाते हो तो आप आजू बाजू भी देखना है आपको कि वो कभी कभार का डॉग छुपा लेता है साइड में और फिर कहीं पे फेंक देता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बस कर और कितनी देर का पानी तो पीने दे, एक के बाद गोलियां देता जा रहा, कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए क्या तो कुछ भी करेगा क्या? एक गोली दे दी, वो गोली दे दी, अब कितनी गोली खिलाएगा? अब तुम लोग भी इसकी बात मत सुनो, ये कितनी गोली खिलाएगा मुझे? अब बस करो, अब तो मैं नहीं खाऊंगा, अभी मुझे दी ना तो मैं म्यूनी को बुला कर मारूंगा, ध्यान रखना, मैं पहले ही बता रहा। तो गाइस डिवॉर्मिंग के बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करते तो आपके डॉग का जो हेयर फॉल होता है वो नहीं होता। डॉग अगर बाहर की गंदी चीज़ें खाता है जैसे कि मिट्टी पत्थर और कभी कभार कुछ पोटी वगैरह भी खा लेता है कोई कोई डॉग, तो वो भी नहीं खाता। जो डॉग के अंदर के जो पेट में स्टमक में मतलब बोल सकते जो कीड़े होते वो मर जाते, आपका डॉग काफ़ी हेल्दी फिट रहता है। अगर आपका डॉग अचानक से वेट लूज होता है वो भी नहीं होता, हेयर फॉल होता है वो भी नहीं हो रहा आपके डॉग को, तो आप कम से कम जो अगर आपका 6 मंथ के मतलब 6 मंथ से अब आपका डॉग हो तो आप 3 या 4 महीने बाद उसका डिवॉर्मिंग कंपलसरी भेजिएगा। अगर आप नया पपी लेके आते हैं तो वैक्सीनेशन के बाद आप तुरंत ही उसका जो है डिवॉर्मिंग कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि डिवॉर्मिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपके डॉग बहुत ही हेल्दी रहता है, फिट रहता है और आपके डॉग का जो अंदरूनी जो हिस्सा बोल सकते हैं आप वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, मतलब कुछ प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती, तो आप डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम जरूर कीजिएगा, बहुत सारे फायदे हैं उसके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।